लालू प्रसाद से लड़ाई लेना और तेजस्वी यादव को जेल में डालना। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आत्मघाती कदम होगा और इसी बात को लेकर के लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 17-18 सालों में बिहार में एक ऐसा नेता पैदा किया होता जो पूरे बिहार में अपनी स्थिति को बेहतर कर सके, पूरे बिहार को लीड कर सके, तो ऐसे नेता की कमी सर्वथा रही है। सम्राट चौधरी के हाथ में बिहार का कमान देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी अंततः नील डाउन होकर के अपना फैसला ले रही है। लेकिन भीतर खाने में आप जाकर के देखें, एक एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछें तो उसके पास एक से एक ऐसे कारण है ऑफ द रिकॉर्ड जिससे भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में चल रही है। और ये कोई मजाक नहीं है। जब नीतीश कुमार ने ये दावा किया कि 162 सीटें लेकर के 162 सीटों में 50% लेकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर बैठने से रोक सकते हैं, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और ये आप कह सकते हैं कि बाबा का विश्लेषण है। आज हम विश्लेषण करके आपको ये बताएंगे जो पिछले कई दिनों से चल रही है बिहार की राजनीति को लेकर के ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जरा भी चिंता नहीं है, नीतीश कुमार क्या कर लेंगे। लेकिन इन सब बातों में सबसे कॉमन जो है वो है लालू प्रसाद। लालू प्रसाद के होते भारतीय जनता पार्टी कभी भी उबर पनप नहीं सकती है। जब जब लालू प्रसाद को कैद किया गया है उतना ही ज़्यादा मजबूती के साथ वो बाहर आए। और लालू प्रसाद कांग्रेस के बाद एक ऐसे नेता हैं जो हम पहले भी आपको बताते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना स्वीकार नहीं किए हैं। चाहे वो टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। वो तो नीतीश कुमार है कि कई बार लालू प्रसाद का हाथ झिटक करके, तेजस्वी का हाथ झिटक करके और चले गए हैं उधर एनडीए के तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ। वरना लालू प्रसाद ने कहानी तो 2015 में ही लिख दी थी जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी की समाप्ति का एक बड़ा हेतु बन सकती थी। लेकिन लगता है कि नीतीश कुमार को तब ऐसा लगा था कि लालू प्रसाद बदल नहीं सकते हैं और लालू प्रसाद का दबाव और उनको राष्ट्रीय राजनीति भेजना इनको किसी दूसरे तरह से लगा था। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, चार्जशीट दाखिल करने के बाद हमने भी आपको खबरों में बताया कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो सकती है, जेल जा सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। हमने ये भी बताया आपको कि नीतीश कुमार इस्तीफा लेंगे या फिर बर्खास्त करेंगे। इन सारी कहानियों को अगर एक जगह आप अलग रख दें तो लालू प्रसाद के होते हुए तेजस्वी यादव का बाल भी बांका नहीं कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। ये बात भी उतना ही सही है जितना ये कि 2017 में साथ छोड़ने के बाद भले ही नीतीश कुमार अपनी सत्ता बरकरार रख पाए हों, भले ही 2019 में 16 सीटें ले आए हों, भले ही 2020 में 43 सीट ला करके दो सीटों को घाल मेल करके और वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को जिस तरह से लालू प्रसाद ने खड़ा किया और तेजस्वी यादव के ने जिस तरह से लालू प्रसाद की विरासत पर खूंटा गाड़ दिया है, वो इतना मजबूत हो गया है कि उसे हिलाना मुश्किल है। मैं असंभव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुश्किल की बात कर रहा हूं। लोकतंत्र में कभी भी कोई चीज असंभव नहीं होती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से सत्ता पर बैठाने से कोई रोक नहीं सकता, तो ये उनका वहम हो सकता है। लेकिन भीतर खाने में आप जाकर के देखें, एक एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछें तो उसके पास एक से एक ऐसे कारण है ऑफ द रिकॉर्ड जिससे भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में चल रही है। और ये कोई मजाक नहीं है। जब नीतीश कुमार ने ये दावा किया कि 162 सीटें लेकर के 162 सीटों में 50% लेकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर बैठने से रोक सकते हैं, हमने पिछली खबर में भी आपको बताया था कांग्रेस ने और राष्ट्रीय जनता दल ने ये मजबूती के साथ अब फाइनल कर लिया है कि नीतीश कुमार को उस खेमे में नहीं जाने देंगे चाहे उसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े। तो वहीं अगर बात जिस बात को ठोक करके हम बता रहे हैं, जिस बात के लिए आपके सामने बैठे हैं, वो समझ लीजिए कि लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को अगर छूती भी है भारतीय जनता पार्टी
या विभिन्न तरह के संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, तो ऐसी स्थिति में मान के चलिए आप कि भारतीय जनता पार्टी अपने ताबूत में अंतिम कील ठोकेगी। इसका सीधा मतलब है, हम आपको तीन चीजें लगातार बताते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 40% वोट लेकर के और लगातार सत्ता में बनती आ रही है 2014 से। इस 40 में 42 हो जाता होगा, लेकिन 50% से ज़्यादा कभी नहीं गई है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बाकी के जो 60% वोट हैं वो विपक्ष में हैं, विरोध में हैं, और लालू प्रसाद के पास उन वोटों का मैक्सिमम मतलब 50% है, 30% वोट उनके पास है। आप जरा सा भी टस से मस नहीं कर सकते हैं यादवों को और मुस्लिमों को, दावे चाहे जितने भी कर लिए जाएं। आपने आजमा लिया, भूपेंद्र यादव को भेज दिया, नित्यानंद राय को भेज दिए, नंदकिशोर यादव को आप लगातार यहाँ रखे हुए हैं, इन सारी बातों को लेकर के जहाँ एक तरफ आप इन सब बातों को रख रहे हैं, वहीं एक बात बड़ी मजबूती के साथ है कि भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने के लिए लालू प्रसाद ने अपनी कमर कसी है और वो कमर कसे हुए हैं। यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ और ये बात मैं लगातार कहता रहा हूँ कि लालू प्रसाद एक ऐसे स्तंभ हैं, जब तक वो जीवित हैं तब तक तेजस्वी यादव का वो वोट बैंक यथास्थिति कायम है। तेजस्वी यादव ने कोशिश भी की थी कि वो ए टू जेड की पार्टी बना लें, लेकिन अंततः उन्हें ऐसा लगा कि वो MY से बाहर निकल करके अगर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में MY को छोड़ना उनके लिए घातक हो जाएगा। आज नीतीश कुमार भी अगर साथ में हैं तो ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार उसी 30% वोट पर हैं, क्योंकि लौकुश समीकरण उनका ध्वस्त हो चुका है और लौकुश समीकरण के आधार पर अगर नीतीश कुमार पिछले 17-18 सालों से बिहार की गद्दी पर हैं तो अब ये दावा नहीं किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है वो इस बात को मान चुका है। और हमने आपको याद होगा कि आज ही खबर करके बताया था, जब राष्ट्रीय लोक जनता दल के वरिष्ठ नेता इस बात को रख रहे थे कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, तो उसका मायने यही निकला कि उन्होंने कहा कि नहीं, राष्ट्रीय जनता दल नहीं बल्कि नीतीश कुमार को बर्बाद करने की पूरी तैयारी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि नीतीश कुमार डैमेज हो। लालू प्रसाद को डैमेज करने में उतना ज़्यादा श्रम लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ लड़ाई 2025 में होगी। अभी नीतीश कुमार जिस गठबंधन को लेकर के और विपक्ष को लेकर के जिस तरह से एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई वहाँ है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आसान नहीं होगा लालू प्रसाद से लड़ाई लेना और तेजस्वी यादव को जेल में डालना। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आत्मघाती कदम होगा और इसी बात को लेकर के लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं। भीतरखाने में यदि बात करें तो महाराष्ट्र वाली स्थिति तो हो नहीं सकती है, आने वाले कई राज्यों में चुनाव है, वहाँ की भी स्थिति आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सहमी हुई जरूर है। इसका सीधा मतलब है कि एक तरफ नीतीश कुमार की बेदाग छवि और दूसरी तरफ भले ही जितनी आप आरोप लगा लें लालू प्रसाद पर, उनके पूरे परिवार पर, तेजस्वी यादव पर, लेकिन उनके वोट बैंक के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में ये ऐसा इंटैक्ट वोट है जो कहीं भी बल्क में जाता है और अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नेतृत्व नहीं पैदा किया है जो इन वोटों को अपने तरफ शिफ्ट कर सके। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कैडर होते, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 17-18 सालों में बिहार में एक ऐसा नेता पैदा किया होता जो पूरे बिहार में अपनी स्थिति को बेहतर कर सके, पूरे बिहार को लीड कर सके, तो ऐसे नेता की कमी सर्वथा रही है। सम्राट चौधरी के हाथ में बिहार का कमान देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी अंततः नील डाउन होकर के अपना फैसला ले रही है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को आप समझ सकते हैं कि आने वाले 2024 की चिंता ज़्यादा है बनिस्पत 25, और 24 की लड़ाई में लालू प्रसाद का सामने होना, नीतीश कुमार का उनके साथ होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि 40 और 60% की लड़ाई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी भले ही आगे निकल जाए, लेकिन इन सारी स्थितियों को देखते हुए चार सीट होने के बाद भी 12 तारीख को जो कुछ भी होगा न्यायालय आदेश देगा, निर्देश देगा उसके हिसाब से, लेकिन ये बात अपमान के चलिए कि तेजस्वी यादव की यदि गिरफ्तारी होती है, जेल जाते हैं, तो ये आत्मघाती कदम हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ।
खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।